हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी टाइम है सुबह 5:30 और मैं जा रहा हूँ जिम। एंड आज मेरा प्रोटीन शेक भी खत्म हो गया। तो भाई ये चल रहा था लगभग पिछले 3 महीने से, मतलब इतना टाइम तो हो गया है, ज़्यादा ही कोशिश से भी, क्योंकि लॉकडाउन रहा बीच में तो जिम भी नहीं गए, तो घर में भी नहीं पीते थे। तो 3.5 महीने निकल गए, 4 ही निकल गए। तो भाई अब खत्म हो गया, अब तो मैं नहीं मंगवाने वाला अभी, क्योंकि बहुत महंगे हो गए। जो पहले 3200 से 3500 का मिलता था वो अभी 5500 का हो गया है, 5200 5500 इतना हो गया है। तो 5500 का मतलब बहुत महंगा यार, अब बिना प्रोटीन शेक के जिम लगाई। तो अभी तो जिम जा रहा, घना अंधेरा है बाहर, कुछ नहीं दिख रहा। Here we go. वो वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट और ब्रेड खत्म हुए पड़े। एक्चुअली ब्रेड थे वो एक्सपायर हो गए पड़े, आधा पैकर पड़ा था एक्सपायर हो गया, तो अभी नए लाने पड़ेंगे मुझे जाके। अच्छा होगा कि मैं पर्स साथ लेके आया। आज से डॉबी को बाहर ले जाना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी ठंड बिल्कुल नहीं है, धुंध वगैरह नहीं पड़ती, ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं, मतलब है मतलब पहले जितनी नहीं। तो अब इसे रोज़ 2 टाइम बाहर लाया करेंगे, अब टेंशन नहीं है ठंड की। अभी जस्ट इसकी ग्रूमिंग करी है, पंजे वगैरह साफ करे, बाल कंघी करी और इतने बाल उतरे, 2 टाइम इसे कंघी करनी पड़ेगी हर रोज। देखो रात में डिओड्रेंट लगा रहे नहीं लोग इतने। वह करके रहे। जैसा कि आप बाहर अंधेरा देख सकते हैं, अभी 7 बज चुके हैं शाम के। तो एक्चुअली मैं चक्कर ये पड़ा कि मॉम की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 4-5 दिन से मॉम की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, और 5 दिन से यकीन मानना मॉम रात को सोए ही नहीं, नींद ही नहीं आती थी रात को 5 दिनों के, हफ्ता ही हो गया मतलब। तो जलंधर से हमें आज मेडिसिन लेने इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो मॉम बोले कि अब 5-6 हफ्ता ही हो गया नहीं सो होता, तो भाई अब मेडिसिन लेनी पड़ेगी ब्रेन की, तो ब्रेन की मेडिसिन लेकर आए हैं। तो भाई उस चक्कर में पूरा दिन ब्लॉग नहीं बना पाया, पहले हम डॉक्टर चले गए, डॉक्टर में बहुत लेट मिला, मतलब 3 घंटे तो हॉस्पिटल में लग गए, 1 घंटा जाने को, 1 घंटे को 5 घंटे। फिर आते वक्त एक और हॉस्पिटल में जाना था, जहाँ से मॉम की बैक का जो है क्योर हो रहा है, बैक का जो मॉम की प्रॉब्लम थी डिस्क की, तो वो सब वो एक और हॉस्पिटल रास्ते में आते हुए एक शहर छोटे शहर में, वहाँ भी जाना था। तो 2 से 2.5 घंटे में यहाँ लग गए, तो मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। तो ब्लॉग बनाने का हमने बिल्कुल नहीं सोचा, और हमने कुछ खाया पिया भी नहीं वहाँ से, जस्ट पहले हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में बस एक डोसा खाया। देखो एक तो मरीज को लेके जाओ, ऊपर से उसे खिलाओ पिलाओ, फिर उसकी बातें भी सुनो। डोसा खादा इन्ना बड़ा, दोनों ने मैं भी खादा तू भी खादा, तो फिर डाइटिंग क्यों गिनदा? डोसा डाइटिंग में आता है, चावल का बना हुआ होता है, उसमें कुछ भी फ्राई नहीं होता। और दूसरी बात, अगर मेरी तरह सारी शक्ति चाहिए तो जिम आया करो, ऐसे छुट्टी नहीं मारने का पॉइंट। देखो यार पूरा दिन आज ऐसे जलंधर बीत गया, फिर दूसरे शहर में मलसिया में, तो भाई अब क्या करें, अब आके ब्लॉग दोबारा स्टार्ट किया। अब जस्ट कपड़े बदले हैं, फ्रेश हुए हैं, मुँह धो के, अभी मुझे ब्लॉग भी एडिट करना है, वीडियो भी कर, दूसरी का काम करना है, और खाना भी खाना है। अभी खाना मोम आप बना रहे हैं, हमारा ये सुबह का खाना कह सकते हो आप, शाम के 7 बजे हम खा रहे हैं, सुबह कुछ नहीं खा के गए हम, जल्दी चले गए। ब्लॉग छोटा हम होने नहीं देंगे, हम तो ब्लॉग को, मेरा कुछ काम पड़ा है कमरे, मेरे कपड़े कपड़े पड़े हैं, मेरे बहुत काम करना है आज। और देखो क्या होता है, आगे वॉक पे ही जाना है अभी जैसे के साथ, पहले खाना खा लें, सुबह का खाना अब खा रहे हैं 7 बजे, इसलिए व्लॉग अब शूट कर रहे हैं, सुबह से टाइम नहीं मिला। मैं व्लॉग बना के लाया 3 मिनट का, वो इसमें डालेंगे। ऐसा अपने हिमांशु भाई ने आज रिकॉर्ड मंगवाए हैं। हिमांशु भाई ये जो है करोड़ों की संपत्ति है, आगे जाकर इनको लाखों में बेचेंगे, लाखों करा ले। नमस्ते लंदन, नमस्ते लंदन। इसके गाने होंगे, इसमें गाने ही हैं, आप देख सकते हैं, ये ऐसा रिकॉर्ड है। ओ भाई ये किधर जाएगा, किधर ये जाएगा, इधर ऐसे नहीं पेज किधर रहा मामा। ये अपने दोस्त को भेज रहा है पाकिस्तान, उसने ऑर्डर किए थे, दोस्त किधर है पाकिस्तान, उसका माल मैंने ऑर्डर किया था, और मैं ये भेजूंगा ऑस्ट्रेलिया। तो उन्हें कितने भेजना, ऑस्ट्रेलिया से जाएगा, वो भेजेगा पाकिस्तान। हां तो तुम सीधा भेज दो, तेनु लग गए पिंदा ने, तू तो जब ओ दिया जाके बसे जाके दिया, मैं नहीं दिख नहीं तुम्हारे यार, तुम यहां से भेजोगे ऑस्ट्रेलिया और वो भेजेगा वहां से पाकिस्तान। नहीं वो लेके जाएंगे ना। ओ अच्छा वो बंदा पाकिस्तान का है। कितने का है सर ये सारे रिकॉर्ड? ये 18,000 का। ओ तेरी,
कितने का एक हो गया है? 20,000 के ये रिकॉर्ड है, इसे अच्छा बंदा डीवीडी ले लेता उससे पैसे बच जाते। ये है 5,000 का किया, 5,000 का एक रिकॉर्ड और वो मशीन अलग से, क्या बात है। ये है 2,500 का एक गड़ी फिल्म सर शाहरुख खान रिकॉर्ड दिखाया इधर 3,000 जबरा फैन चांस पे चांस फिर मिलेंगे चलते चलते चकड़े इंडिया आगे ये बादल पे प्यूम है, प्यूम है केड़ा वा पाऊ है प्यूम ने प्यूम ने पाऊ है एक बढ़िया से बादल से होले होले मोला मेरे मोला मेरे बस बस रख रहे आपा इन जो है अब्दुल्ला आज तो जानते हैं नंदनी जी नाम है परदेसी आई लव माय इंडिया अच्छा अच्छा परदेश परदेश फड़ना कि सारे गाने आना भाजी अले ना आठ गाने अभी मुझे खाना खाना है और खाना खाने के बाद मुझे अपने मेरे ना यार ऊपर वाले मेरी अलमारी में कपड़े मेरे सारे टी शर्ट्स जो नई भी लाए थे कोई भी मतलब अपने मतलब ठिकाने पे नहीं है, तहस नहस हुआ पड़ा है काम। तो हमारे दो शादियां थी लगातार और काम भी वहाँ से नहीं होता था मेरा, इसलिए इस चक्कर में मैं कपड़े ऐसे निकालता ऐसे फेंक देता था। तो मैं अपनी अलमारी को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता, मुझे आदत है खुद से काम करने की, तो तय वगैरह भी खुद ही लगाता हूँ, रखता भी अरेंज भी खुद ही करता हूँ, तो इसलिए कोई नहीं आता। तो मुझे वो काम भी आज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत से कपड़े तहस नहस हुए पड़े हैं मेरे। तो काम करने से पहले ये काम कर लेते हैं मतलब, और है क्या, बस खाना खाना फिर वॉक पे जाएंगे, आज लेट हो जाऊंगा तो ये व्लॉग शायद 8 बजे ना आए, पक्का नहीं कह सकते, आ भी सकता है, बस डिपेंड करता है कितने बजे तक मैं फ्री होता हूँ। खाने में है पनीर की भुर्जी, ये रहे मेरे कपड़े तहस नहस हुए पड़े ऊपर नीचे, ये पूरी बाहर निकाल के लगानी पड़ेगी, और मेरे आधे कपड़े वहाँ पड़े, ये पूरी पूरी की पूरी कुर्सी के ऊपर सारे कपड़े मिले, तो इन सबको मुझे अब अरेंज करना है। काफ़ी मशक्क़त के बाद सभी मेरी सेट हो गए, टी शर्ट्स और ऊपर मेरी सभी कोटियाँ, जैकेट्स, हुडीज, वैसे और भी है आधी मैंने नीचे रखी है, और अभी एक ये बाकी है, एक ये बाकी है, तो जगह कम है, सर्दियों के कपड़े ऐसे आते हैं। अभी कबर्ड बनेगा जब यहाँ पे पेंट होने के बाद फिर सब कुछ सेट आएगा। ये मेरे को आज ब्लेजर मिली, मेरी कदारी है 2015 की ब्लेजर है मेरे पास ही, अपनी आती मतलब पेट से भी और हाथ भी इतनी छोटी पड़ गई है, ये पता नहीं कहाँ से निकाली मैंने, आज पड़ी थी मैं पागल था तेरे के तो आज मेरे नहीं आती, तेरे के तो बहुत छोटी है। उतर दो बटन, बटन थोड़ी दबाना है, अंकल टैप पाओ, अंकल टैप मैं भी पाओ, और की ये फोकस कर चुल्ली देख, इतना आया नहीं शर्ट वाला, ओए भरावा इतना ही हुंदी ब्लेजर पूरी फिटिंग वाली हुंदी है, ओ ले सानू की पता पावा लोकां नु करोड़पति से लखपति बने, करोड़पति से लखपति
इसका दिमाग हिल गया, ये करोड़पति से लखपति बना रहा है। एनीवे अभी मेरे को ब्लॉग एडिट करना है। क्रिप्टो में कमाई एक सी नहीं होती, कभी कम होती कभी ज्यादा होती, इसलिए करोड़ से लखपति भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इन्वेस्ट किए थे मेरे डूब गए। ये बंदा पूरा बिजनेसमैन है। तो मैं अभी ब्लॉग एडिट करने वाला हूँ। तो आज का दिन अजीब ही रहा, थोड़ा बिजी रहे, मैंने कोई काम नहीं किया आज, बस मेडिसिन का ही काम हुआ, मॉम की का मेडिसिन लेके। अभी तक मैं बस अपने कपड़े सेट कर रहा था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, अब करने वाला हूँ। सो इस ब्लॉग को ये पेंट करते गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जो ये